लाइव आना चाहते हैं। ऑल राइट गाइस, द ब्रॉडकास्ट इज लाइव वन मोर टाइम एंड बोथ ईशा एंड मी उंगली बाबा वी आर टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी लोगों से बातचीत हमारी हो रही है। इट्स अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत तामझाम के साथ में या फिर बहुत ही जबरदस्ती के साथ में हम कुछ भी आपसे अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। हम बस बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ में आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपसे कुछ सवाल निकलवा रहे हैं और अपने जवाब देते जा रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। एंड आई बिलीव जो हमारे मॉडरेटर हैं क्षितिज, वो रेडी हैं। क्षितिज, आर यू रेडी एंड सेट? खुद भी सवाल पूछ रहे हैं और यार मेरे बाल देख रहे हो कैसे हो गए? ओके अच्छा, आप हमें बस ये बता दीजिए क्षितिज जी, कि जो हमारे व्यूअर्स थे जो अभी तक हम लोगों को देख रहे थे, वो थोड़े दूर चले गए होंगे, तो अभी उनको थोड़ा पकड़ने की यहाँ पर हमें जरूरत है और धीरे धीरे वो हमसे जुड़ते जाएंगे। राइट नाउ देयर 250 पीपल वॉचिंग अस, 250। अब देखना जैसे जैसे जो हमारी स्पेशल गिफ्ट अभी आएंगी, उनके आते ही हमारे बीच में जो व्यूअर्स की संख्या है 10, 20, 30 लगते चले जाएंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, 100% वाली बात है। ओके ओके देवांग, तो आपने क्या सोचा है? वो अभी हमारी गेस्ट आने वाली है, उनको आप क्या सुनाने वाले हो? यार देखो, वो जिस लेवल पे है, मैं कुछ सुनाने के काबिल हूँ या नहीं वो मैं नहीं जानता, बट वो जो भी रिक्वेस्ट करेंगी और अगर मुझे वो गाना आता होगा तो मैं जरूर गाऊंगा। और गाइस, मैसेज आ गया है सुमन का, शी इज जॉइनिंग अस 3 मिनट्स। ओके ओके, ऑलराइट, सो या, सो दैट्स व्हाट आई कैन से। और जहां पर बात रिचनेस की आती है, तो हमारे गौरव भाई भी कोई कम रिच नहीं है, आराम से बैठ के रेडबुल पी रहे हैं, यहाँ हमें ठंडा पानी नसीब नहीं हो पा रहा इतनी गर्मी हो रही है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है, पूरे 2 हफ्ते से बचा के रखी हुई है, 2 हफ्ते से बचा के रखी हुई है मैंने। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है इसके अंदर रेडबुल है? गलत बात, रेडबुल नहीं है इसके अंदर, बस गर्म पानी भर के रखा हो भाई। अच्छा। बहुत गरीबी है बाबू, बहुत गरीबी है, हमारा को माफ करो बाबू। बहुत ही बढ़िया, जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, हम सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंस में दिहाड़ी मजदूर हैं। आप इस बात को समझना, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूर हैं। और अभी जितने भी लोग हैं हमारे आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी में, वो बहुत परेशान है, हमारी इवेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा परेशान है। कितना टाइम लगेगा वापस से बाउंस बैक करने में वो मुझे नहीं पता, दैट नोबडी नोज अबाउट, बट आई एम श्योर ऑफ वन थिंग कि एक साथ मिलके सारे के सारे ये जो बुरा समय चल रहा है ना, इसको निकाल लेंगे, काट लेंगे। और अगर हमारे पास में क्षितिज जैसे, क्षितिज फ्रॉम इवेंट्स हंगर द डायरेक्टर, इनके जैसे इवेंट मैनेजर होंगे, तो आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि ये हमारी इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ नया जरूर देंगे लॉकडाउन के बाद में, कुछ इंटरेस्टिंग जरूर देंगे लॉकडाउन के बाद में। और जिस रफ्तार से अभी तक हम सभी लोग काम कर रहे हैं, क्षितिज, मैं, देवांग, ईशा एंड एनी अदर आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर, हम सभी लोग बहुत ही सॉलिड वे में बाउंस बैक करेंगे और पैसे कमाएंगे, मतलब पैसे पैसे छापेंगे, क्या टेंशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। That is absolutely true and गौरव ने actually काफी सही बात बोली है, क्योंकि क्या है कि जिस state में, जिस situation में अगर हम अपने आप को भी देख रहे हैं, वो ऐसी है जो मतलब it is an unavoidable situation first of all for everyone, it is not just us, ये सिर्फ हम artists की बात नहीं है, but हाँ, no doubt as of now event industry is one industry which has got the most hit because of this corona attack, and problem ye hai ke there are ways, so jaise hum apni baat nahi kar rahe, but jo amateur artists hain, ya amateur bhi nahi, jo even professional hain, but they are not so popular and they don't have that kind of reach on social media, made by YouTube, Instagram or Facebook, unko kafi problem aa rahi hai aaj ki date mein paisa kamane ke liye, kyunki since unke paas reach nahi, even though matlab aaj aap dekh sakte hain ki pura Jaipur, sorry pura world actually
ऑनलाइन है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट सोशलाइज दे आर ट्राइंग टू सोशलाइज यूजिंग द इंटरनेट बट स्टिल उस केस में जो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं वो आर्टिस्ट हैं जो एक्चुअली ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं और जिनकी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है. सो अभी जो सबसे मेजर हिट आ रहा है वो उन्हें आ रहा है जो उस लेवल पे नहीं गए हैं बट स्टिल दे वर डूइंग गुड इन देयर ओन एस्पेक्ट्स. मतलब जो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे साथ के कई लोग हैं जो लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं जो प्योरली सोलियन होल मतलब होल एंड सोल उनका काम ही लाइव परफॉर्मेंसेस का है जिनकी सोशल मीडिया अपीयरेंस ऑलमोस्ट जीरो है. सो उनको काफी प्रॉब्लम आ रही है बट देन अगेन जैसा कि और भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जैसे कि आप हैं एंकर हैं. सो एंकर का काम ऑनलाइन हो ही नहीं सकता एक बार के लिए. म्यूजिशियन फिर भी अपना काम ऑनलाइन अपलोड करके यूट्यूब पे व्यूज लेके किसी ना किसी तरह से पैसे कमा सकते हैं बट पीपल लाइक इवन डांसर्स कैन डू दैट बट एंकर मैं सर आपको मेरी फुल ऑन सिंपैथी है बिकॉज आपका काम टोटली इंटरेक्शन बेस्ड होता है और टोटली क्राउड इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है जो अभी एज ऑफ नाउ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बट थैंकफुली आई मीन लाइक दिस इज वन गुड इनिशिएटिव बाय क्षितिज दैट वी आर ऑल हियर एंड आई रियली अप्रिशिएट Gaurav you being here because kya hai ke it takes a lot of energy and a lot of courage to be part of such sessions wherein your presence is actually valued in a way wherein people don't even expect क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि यार एंकर एक ऑनलाइन लाइव सेशन पे क्या कर पाएगा बट उन्हें ये नहीं पता कि क्योंकि होता क्या है कि एक म्यूजिशियन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ यार वो अगर एक लाइव सेशन में है तो वो गाने गा देगा ठीक है हमारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा. डांसर है तो वो थोड़ा बहुत डांस करके दिखा देंगे और बाकी टिकटॉक वाले तो है ही उनका क्या कह सकते हैं बट हाँ एंकर एक इतना इंपॉर्टेंट इंसान होता है इवन दो ऑनलाइन कि अगर आप इतनी देर से अगर इस लाइव सेशन को देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं तो जितने भी एंकर्स अभी तक आए हैं इस सेशन में उनकी वैल्यू मैं सबसे ज्यादा मानता हूं बिकॉज उन्होंने ही इस पूरे सेशन को इंटरैक्टिव बनाया है अम्यूजिंग बनाया है और एंटरटेनिंग बनाया है. सो थैंक यू सो मच फॉर गौरव फॉर कमिंग ऑन द सेशन एंड टू ऑल द पीपल हु आर इनटू एंकरिंग एंड होस्टिंग. सो गाइज हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड दैट्स ऑल आई कैन से थैंक्स. थैंक यू देवांग भाई आप मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा. देवांग भाई एंकर बनोगे इतना अच्छा बोल लेते हो. हाँ क्या I am having the same question. क्या क्या इतना अच्छा बोले तो एंकर इतना अच्छा बोले तो एंकर बनोगे क्या यार. देखो सच्चाई बताओ ना तो ये मैंने अपने दिल की बात बोली है क्योंकि मैं भी थोड़ी थोड़ी एंकरिंग कर लेता हूँ. हाँ वो दिख रहा है वो जो ये जो कुलबुलाहट है ना जो कीड़ा है तो दिख रहा है. अच्छा मैं आपकी बात से अग्री करूंगा देवांग बट फुली अग्री नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको बताऊँ एक एंकर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो अपने लाइव सेशंस में करा सकता है. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. अभी दो दिन पहले मैंने एक कंपनी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेशन किया एंड इट वाज अ सेशन ऑन जूम. आपने देखा होगा जूम ऐप का आजकल बहुत चल रहा है. सो मैंने वहां पे सेशन किया और उनके 450 एम्प्लॉइज वहां पर थे. 450 पूरे एम्प्लॉइज वहां पर थे और उन लोगों के बीच में मैंने उस सेशन को मॉडरेट भी किया. मॉडरेशन के साथ साथ में मैंने उनके लिए कुछ एक गेम्स भी कंडक्ट किए. वैसे गेम्स हम थोड़ी देर में कंडक्ट करने वाले हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो. देखो मैं आपको एक चीज बताऊं जो अच्छा आर्टिस्ट है जो अपने दिल से इस काम को इस प्रोफेशन को मेहनत करने में लगा हुआ है जुटा हुआ है वो तरीके ढूंढ लेगा. उनमें से एक दो तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा. मतलब जैसे कि अभी थोड़ी देर में मैं कुछ गेम्स यहाँ पे कंडक्ट करने वाला हूँ तो उससे जो हमारे न्यू एंकर्स हैं या फिर नए आर्टिस्ट हैं उन लोगों को भी कुछ ना कहीं एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एक लाइव सेशन में या फिर ऐसे सेशन में जहां पर एक इंटरेक्शन लिमिटेड है वहां पे कैसे गेम्स को कंडक्ट करना है वहां पर कैसे सेशन को आगे बढ़ाना है दैट एवरीबडी विल गेट टू नो. अच्छा मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस बीच में जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मेरे पूज्य पिताजी मेरे पापा जी यहाँ पर आए थे. गौरव जी शिदेश हमारी स्पेशल गेस्ट आ चुकी है. सो हमारी स्पेशल गेस्ट जो अवेलेबल है यहाँ पर मेरे साथ में. आज मुझे चश्मा पहन लेता हूँ यार थोड़ा सा सीरियस लगना चाहिए लड़का ताकि अच्छा अच्छी तरह से विजिबल हो रहा है. मतलब यार लड़की दिखनी भी तो चाहिए ना. Alright, so ladies and gentlemen, boys and girls, kids of all the ages, those who are watching this live session, Hamara Bachpan brought to you by Events Hunger, we are ready to
present to you the special guest of this evening. Let us welcome Miss India Continental 2018 amongst us, Suman Chelani, with a drum roll and some claps. Here we go. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Hi, Suman. Kaise ho aap? मैं बहुत बढ़िया हूँ. हाउ आर यू? आई एम सो हैप्पी टू कनेक्ट यू ऑन लाइव एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे. यू नो आई वाज से मेरा दिन और अच्छा हो गया आप सबको लाइव यहाँ देखते हुए. सो हैप्पी टू सी यू. कैसा जा रहा है आपका क्वारंटाइन? अब अच्छा जा रहा है जब से आप आए हो. बहुत अच्छा जा रहा है मैं बता रहा हूँ. आई वुड से थैंक यू टू क्षितिज एंड यू नो इवेंट हंगर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, फॉर इनिशिएटिंग दिस. This is such an important, I would say, cause, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं यही माध्यम से सबके दिलों तक पहुंचाना है, एक मैसेज जो है वो स्प्रेड करना है, and that is stay home, घर पे रहो. So congratulations to Kshitij and the entire team of you. Lovely, lovely initiative this is. और सुमन, क्योंकि अब आप यहाँ पर आ गए हो तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले अपना जीन्स वीन्स पहन के चप्पल वप्पल डाल के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे. तो मैंने उनको बोला, देखो भाई, मैं आप लोगों की आज मुलाकात कराने वाला हूँ. बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारी, उनके लिए हमारे बीच में जुटे रहे. इससे पहले जो हमारा ब्रॉडकास्ट एक लाइव हुआ था, उस सेशन में, मतलब आज ही एक और सेशन जो हुआ था इससे पहले, उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे आपसे मिलने में, आपके बारे में जानने में. तो उनके क्वेश्चंस भी मेरे पास में यहाँ पर हैं. और आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरे जो पापा हैं वो भी यहाँ पर हैं. अगर आप देखेंगे मेरे पापा, कह रहे हैं अभी भी यही हूँ, बना हुआ हूँ, जुटा हुआ हूँ. नमस्ते अंकल जी. अच्छा, नमस्कार. मेरे पापा पे लाइन मत मारो दीदी. ओके गाइस, मजाक की बातें अपनी जगह पर हैं, क्योंकि जैसा हमारा ये ब्रॉडकास्ट है, इट इज ऑल अबाउट हमारा बचपन. तो सुमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप, व्हिच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड आल्सो व्हिच वाज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? यस, फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट. Which was my favorite what? Which was my favorite what? Subject. Your subject in school. अच्छा, subject. Yeah. मुझे सबसे ज्यादा जो है, मुझे सबसे ज्यादा mathematics बहुत पसंद था. I used to love maths. And मैं हमेशा से ही, you know, figures की बहुत बड़ी fan थी. Virtual high five. और so, just a little. So I was saying just a little information here कि जो अभी इस फ्रेम में दो लोग हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, एक को मैथमेटिक्स पसंद है और एक मैथमेटिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट है आपके सामने बात करते हुए. लवली इन द नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू, ऑल द ऑडियंस मेंबर्स प्रेजेंट हियर. ओके, एंड और अब बात करें लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट की. सुमन, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद था. मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि मुझे कभी भी नंबर्स जो है, डेट्स है, वो बिल्कुल याद नहीं रहते थे. और जो यू नो उस टाइम पे जो नाम भी होते थे, दुर्योधन, गांधारी, तो ये सब मेरे बस की बात नहीं है. आई कांट रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स. सो हाँ, हिस्ट्री वॉज समथिंग मेरे बस की बात नहीं थी. And how is the new edition of shows like Ramayana treating you? Like we are getting to hear and listen to talk to about the mythology and getting to know about mythology. वो आपको कैसा लग रहा है? मैंने recently, आपको पता है, DD ने एक नया channel भी चालू कर दिया पूरा का पूरा. I mean, if it's not a confirmed news, but I read somewhere the DD Retro they have started. Oh really? I'm not aware of this. But I would say Ramayana is a beautiful initiative which they have taken, because the reason behind that is जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने history इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी या समझी नहीं थी या देखी नहीं थी, तो उनके लिए एक मौका है क्योंकि लॉकडाउन में हम सब लोग घर पे बैठे हुए हैं. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम टू बी एट होम. एंड यू नो कहीं ना कहीं हम भारतीय हैं, हमें हिंदू माइथोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है. सो इट्स अ वंडरफुल, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द टेलीविजन इंडस्ट्री टू ब्रिंग रामायण इन दीस डेज. सो आई रियली वुड रेकमेंड टू ऑल व्यूअर्स टू प्लीज वॉच. एंड ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी क्या है, रामायण क्या है और कौन सी चीज कहाँ है, कैसी है. सो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. या दैट्स अ ब्यूटी. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपने कही. एक हमारे व्यूअर हैं एंड द व्यूअर वांट्स टू नो दैट हाउ वाज योर जर्नी ऑफ मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2018 अक्षिता दत्ता फ्रॉम बिजनौर. शी इज आस्किंग यू दिस, कि आपकी जर्नी कैसी रही?
हाय अक्षिता, वेरी हैप्पी टू सी यू. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. मेरी जर्नी जो है वो बहुत खूबसूरत रही. मैंने भारत को जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 91 कंट्रीज के बीच में इन फिलीपींस. एंड द ब्यूटी ऑफ दैट जर्नी वॉज 20 दिन ये लंबा कॉम्पिटिशन था. यू नो इट वॉज 20 डेज लॉन्ग जहाँ पे वी हैड बीच राउंड, वी हैड इवनिंग राउंड कॉम्पिटिशन, वी हैड fitness goals, we had photo shoots, video shoots, sponsor visits, television shoots and interviews, media interviews and whatnot. So, इस 20 दिनों के दौरान मुझे किसी ने सुमन नहीं बुलाया था. And everybody was just calling me India. And India के नाम से ही, you know, it was just, there was nobody, कोई किसी को किसी के नाम से नहीं बुला रहा था, क्योंकि 91 जो countries थी, हर कोई उनके countries से उनको बुला रहे थे. So, you know, we used to call like Miss Australia, Miss Japan, Miss, you know, so like something like this. So 20 din to be called as India, like for example, Miss India, where are you? Miss India, come for the dinner. Miss India, come for lunch. So that was the beauty of it. So I really loved it. That would have been so very amazing. Apne country ko represent karna on such a big stage and then winning the competition. Tab aapke liye kitni special aur amazing si feeling wo rahi hogi. Hamare bahut sare questions aise हमारे ऑडियंस मेंबर्स जो व्यूअर्स हैं वो आपसे पूछते रहेंगे. इस बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा. मेरा सवाल है कि आप आम चूस के खाते हो कि आम काट के खाते हो? अक्षय कुमार ने मोदी जी से पूछा था, सो मेरा आपसे पूछना बनता है, आम चूस के खाते हो कि आम काट के खाते हो? नहीं, मैं एक्चुअली आम काटने के बाद भी स्लाइसेस करके उस स्लाइस को जो है मैं स्पून के साथ खाती हूँ आम. क्या बात है, मतलब आप देख रहे हो, टू ऑल द व्यूअर्स एब्सोल्युटली राइट. मतलब ऑल द वेयर यहां पे नो, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं. और क्योंकि हमारे पास में दो पैनलिस्ट और हैं, तो मैं एक छोटा सा गेम यहाँ पर आप सभी पैनलिस्ट के लिए, स्पेशली टू ऑल द ऑडियंस मेंबर्स आल्सो, एक कंडक्ट करना चाहूंगा. एंड दिस गेम इज रियली वेरी सिंपल. मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे इस पैनल में कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी प्रेजेंस अपनी फील यहाँ पर कराएंगे और इस कॉम्पिटिशन को जीतने की कोशिश करेंगे. मैं आपको पहले थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ इस गेम का. व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट, यू ऑल हैव टू गेस द नेम ऑफ द मूवी एंड आई विल टेल यू अबाउट द ऑब्जेक्ट. सो आई विल बी सेइंग द ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू गेस विच मूवी इट इज. ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पीके मूवी में जैसा कि येलो हेलमेट था, राइट? So if I would have said yellow helmet, then answer would have been PK. Okay. So on this line, you have to give options. No options whatsoever. मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बताऊंगा. आप सभी लोगों को जितने पैनलिस्ट यहाँ पर है उन्हें गेस करना है कि सही आंसर क्या है. I've got this cheat sheet here with me. मैंने यहाँ पर ये पूरा बना के रखा हुआ है. थोड़ा होमवर्क जरूरी होता है. So I've done my homework. Okay, तैयार हैं सारे पैनलिस्ट हमारे? Sure. Yes. Everyone ready? All right. Yeah. And especially those who are watching us, do not forget to give your responses in the comment section. And if you are watching it on Facebook, give like, give your heart. If you're watching it on Instagram, just keep on pressing that heart button. Keep on giving us heart. मतलब इतना दिल दे दो कि मतलब हमसे संभाला ना जाए. मतलब सुमन को तो आदत है यार दिल संभालने की. मतलब हम जैसे लोग थोड़े से ना काफी हैं. मतलब थोड़ा सा दिल मिल जाए तो पागल हो जाते हैं. पर दिल देते रहना. Come on. Okay. My question is, guys and girls here, those who are present on this panel also are watching this. The object is motorcycle with a sidecar. Motorcycle with Chole. A sidecar. आपने देखा होगा motorcycle होती है sidecar. शोले शोले. शोले. Yeah, शोले. What is the correct answer? शोले. मैंने दिया सबसे पहले. So Devang is saying that शोले is the answer. Yes, शोले is the correct answer. And we'll Thank be you. Clapping for. Devang here. Awesome. There are the claps in the background. If you all can listen to the claps. There's one more answer from Harsha Joshi. She also said Shole. Okay, Harshal. Harita Joshi. Harita Joshi. Congratulations. We will distribute kar lenge hamare gifts. No problem. Hamara hota. All right. Suman, ready for the next object and to guess the answer? Yep. Okay. Yep. So the next one is also a Hollywood movie. I'm including in this universe of Bollywood and Hollywood. It is a flying broom. Udne wali jhadu. A flying broom. Bataiye.
क्षितिज अरे देवांग को हटाओ यार, ये देवांग को हटाओ यहाँ से, इसको लेके जाओ, काटो इसको। अरे देवांग बात सुनो यार, देवांग हमारी स्पेशल गेस्ट को बोलने का मौका दो यार, अभी बोलना मत आप लोग, ठीक है? बोल यार, देखो क्या है ना, स्पेशल गेस्ट के सामने अगर मैं स्पेशल बन गया तो फिर मेरी स्पेशलिटी भी तो दिख जाएगी ना। समझते हैं बात तो दिल की है। ओके, मैं एक रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। द रूल इज यू हैव टू रेज योर हैंड फर्स्ट, आपको अपना हाथ उठाना है, एंड द पर्सन आई पॉइंट टुवर्ड्स एंड आई से द नेम वुड बी आंसरिंग, एंड इफ द आंसर इज रॉन्ग आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। ऑलराइट, इट इज अ, हां हाथ उठाना याद रखना, इट इज द रूल। इट इज अ पर्पल कार, पर्पल कार मतलब एक नारंगी बैंगनी रंग की गाड़ी। हाथ उठा दे स्पेशल गेस्ट हमारी। I'll take the answer from Devang here. Devang, what's the answer? Tarzan. Tarzan the Wonder Car. Tarzan the Wonder Car is the correct answer. Wow. Okay. ये जो next होने वाला है, ध्यान से सुनना है सभी को, देखते कौन answer करता है। आप देख रहे हो सुमन, there are a lot of people who are watching this. पर आपने हाथ ले उठाया था। देवांग ने पहले उठाया था। ऑलराइट, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। I think you are so brilliant. जब तक मैं गाड़ी के बारे में सोच रही हूँ ना, I was dreaming about the car, और यहाँ पे आंसर भी आ गया। थोड़ी तारीफ तो हमारी भी बनती है दीदी। गौरव यू बोल रहे हो तारीफ भी करने के लिए, बोल रहे हो क्या कर रहे हो गौरव भाई यार? Something related to beauty. Okay. Okay, a random question away from this game. I am going to ask. It is all about Isha and Suman then. Panelists, please name me five beauty products. Name me five beauty products. Beauty products, not the brands, but the beauty products. Quickly, five. Bata dijiye. Jaldi se. Bata de. Kya kya? Five beauty products, please. It's to all the panelists. Sare panelists ke liye. Five beauty products, not the brands. Five beauty products. Cleansing. Just a second. Yes. Suman, keep on. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सबको आंसर देना है पांचों को, लेकिन सबको पांच पांच बताने हैं और रिपीट नहीं करना है। पांच क्षितिज बताएगा, पांच आप बताओगे, पांच मैं बताऊंगा, पांच सुमन बताएंगे और पांच ईशा बताएंगे। ऑलराइट भाई, मुझसे मत पूछो यार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ यार, मुझसे मत पूछो। सुंदरता के तो दुनिया में चर्चे हैं सर, आपने आपको कैसे छोड़ देंगे? देखो ऐसा है, जब से लॉकडाउन हुआ ना, ये फेस थोड़ा मोटा हो चुका है, खाना खा के पराठे दिन रात। उससे पहले देख रहा ऐसी ये क्या बात है, जॉलाइन सर। लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी आपने मेकअप करने में आज। हाँ जी ईशा, ईशा यू सेइंग समथिंग? I'll go with five products. And that is cleansing milk, we have moisturizer, we have scrub, we have SPF, that is sunscreen, and what else we have? We have night cream. So that is, I think, the five beauty products that okay, we have. Okay, second, I'm going second, and we have lipstick, we have mascara, we have blusher, we have nail polish, yes, we have what do we have? We have thinner, if you want to consider that as sense, one of the beauty products. Gaurav, in that sense we have million products, not just five, we have million products. आप सोच रहे हो, मतलब मैं सेकंड नंबर पे क्यों बोल रहा हूँ? मैं सेकंड नंबर पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वरना फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बोलना। All right, we'll just totally scrap this. और एक रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही है सुमन, दैट रिक्वेस्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस मेंबर्स। नीरव पटेल इज सेइंग हाय टू यू टू ऑल द पैनलिस्ट, एंड आई बिलीव ये जो हाय है ये सुमन आपकी तरफ ही सबसे पहले जा रहा होगा। इस्ट्रेलिया भाई, क्षितिज जी नाम कहाँ से आया भाई? इस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया करके आई डोंट नो कौन है, इन्होंने अभी कमेंट किया था मेरे पास, तो वो मैंने कमेंट यहाँ पे डिस्प्ले किया है। Oh, great. So we have some foreigners also joining in this broadcast. That is so very amazing, man. So Devang, why don't you sing a song? Why don't you sing a song? Haan ji. And it should be a dedication.
टू सुमन, सुमन के लिए गाना आप अगर गा दे तो मजा आ जाएगा। Sorry, there was a network issue. There was network issue, and I'm so sorry about it. And you were saying about Nirav. Big hi to Nirav. Happy to see you here. Thank you for connecting us live. Yeah, and Suman, after that, we have had one request from someone who's living overseas. The name is Australia, and the person is saying, "Hi Devang, please sing something for Miss India." अरे वाह, क्या बात है? So Devang, कोई एक प्यारा सा गाना हो जाए. For Suman. Okay, sure. Okay, so this is not just for Suman, but this is also for Isha and for all the pretty ladies who are watching this particular session. And so ye jo gaana hai, ye acha mute kar do to agar jo pad jaye wo pad jaye, kya dikkat hai? We'll put it on mute so that you can enjoy and you all can enjoy. I'm going to put my broadcast on mute. And Shitish, aap name tags and wo mute and unmute wale icons on kar dijiye so that we can see that. All right. So ye jo gana hai, ye I'm guessing India ka sabse popular gana hai kisi bhi ladki ko patane ke liye. Though I'm not using it for that purpose, but definitely I'm going to sing this because hum jo isse pehle wale live session mein the, usme is gaane ki request aayi thi. So I'll try to sing that one. And this is also for some Aatif Aslam fans. I'm sure you're gonna love this one. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे पास तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मन के दिल का कहां, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूं मैं दिलरुबा, हुआ ये जादू तेरी आंखों का, तेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। सो आई रिक्वेस्ट दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग अस, एक बार देवांग के लिए तालियां तो बनती हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राउंड ऑफ अप्लॉज़ फ्रॉम ईच वन ऑफ अस दोज हु आर वाचिंग दिस। देवांग, एक शेर आपके लिए हो जाए, एक बार आप सबके लिए इरशाद हो जाए। बात कुछ ऐसी है, संगीत संगीत जिंदगी की जरूरत नहीं, संगीत जिंदगी में जरूरी है। संगीत जिंदगी की जरूरत नहीं, संगीत जिंदगी में जरूरी है। जिसने आज देवांग का गाना ना सुना, उसकी जिंदगी ही अधूरी है। सो दिस वाज फॉर यू देवांग। क्या बात है, सच सच आपके लिए भी तालियां बनती है। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू, थैंक यू देवांग। एक मेरी फरमाइश है गाने की, एक मेरी फरमाइश है गाने की। हां हां बताइए। लग जा गले का आखिरी पैराग्राफ एंड जिसकी शुरुआत होती है, हमको मिली है आज गरिया। I'll join you. We'll all sing together. हम लोग साथ में गाते हैं। Absolutely, absolutely. I would love to sing this one. And Shitish, ये गाना थोड़ा सा मुश्किल है, शक्तिमान। But definitely, since we are into that हमारा बचपन session over here, so I'll try to take some songs which are related to our बचपन and जैसे कि है कुछ कुछ हमने TV series जो पुराने देखे हुए हैं बचपन में, TV के सामने से आँखें घुसा के, वो definitely I'll try to take some of them. I remember. Yes, one of them is that. I will definitely sing that one. चलिए दोस्तों, तो लास्ट पैरा पर आते हैं देवांग। You have been requested, Suman has requested. और अच्छा, इसके बाद में जब आपका सॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको एक स्पेशल टिडबिट भी टेलिंग यू ऑल अबाउट मिस शेलानी, एंड दैट्स रियली वेरी क्रूशियल दैट ऑल ऑफ अस नो अबाउट दैट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेट जरूर करेगा ड्यूरिंग दिस टफ टाइम। Here we go with the song from Devang.
हम लोग यहाँ से हट रहे हैं, देवांग एंड सुमन को दोनों को अपना एंजॉय करने दो, ऑलराइट? ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू. Shitish, name tags, please. Thanks. Sure, sure. नसीब में ये बात ना हो, शायद शायद तेरे से जन्म लग जागने से आपने अभी नोटिस किया होगा, स्पेशली क्षितिज आपने देखा होगा कि जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैसेजेस हमें जरूर भेजते रहिए. सो आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड टू ऑल आवर पैनलिस्ट कि ऐसा कौन सा वो डोरेमोन का गैजेट था जो आपने हमेशा सोचा था कि यार ये गैजेट हमारे पास होना चाहिए. लो मैं बताता हूँ, गैजेट तो छोड़ो, मुझे तो उसकी पॉकेट चाहिए थी. आई वांटेड दैट डैम पॉकेट. उसमें सब कुछ है. हाँ, उसमें सब कुछ है, सब कुछ है. अदरवाइज एनीवेयर डोर, अदरवाइज एनीवेयर डोर. यस यस यस, इवन अगर एनीवेयर डोर होता, अगर एनीवेयर डोर होता तो मैं कहाँ जाता था? पता है सर, पता है. मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लड़का है देवांग, ही इज सो वेरी स्मार्ट. क्या करूं यार, बहुत बचपन में मेरे को मेरी माँ ने ना बादाम खा खा के पैदा किया है. कांट हेल्प इट. मैंने बचपन में टॉम एंड जेरी के अलावा तो कोई और कार्टून देखा ही नहीं था बॉस. मेरी माँ ने मेरी आंखें जो थी सिर्फ किताबों में होती थी. तो नो डोरेमोन, नथिंग. टोनी ब्रावो, मैं आपको बता, जॉनी ब्रावो उन लोगों को पसंद था जो लोग वो होता ना जिसको कहते हैं हिंदी में फुकरे, फुकरे. बिल्कुल, वो फुकरे लोगों को पसंद था जॉनी ब्रावो. You're funny. There is a request coming in, and that request is, can you sing the song from Ninja Hathori? यार ये मैंने सुना भी नहीं है. I'm so sorry, Sharya. मैंने ये गाना सुना ही नहीं है. I would love to sing it, but मैंने कभी सुना ही नहीं है यार. I'm really sorry about this. देवांग, कुछ हो जाए बचपन से, कोई सीरीज के सॉन्ग या कुछ भी, एनीथिंग जो बचपन में ले जाए हमें. Sure. Just give me a minute. Can we do jungle? Yeah. I think that's a really amazing song, and everybody used to love that series, and very recently we have also seen, yeah, we have also watched the movies coming in, the live action movies. मजा आया था. ऊपर ही है. सुपर मैम के पास पहुंच चुका है वो ऑलरेडी. या ओके, सो एक काम करते हैं, मेरे को जंगल भी पूरा नहीं आता है, बट जो उसकी मेन लाइंस है, आई विल सिंग दैट. अगर इफ यू कैन जस्ट जॉइन अस, जॉइन मी, दैट विल बी रियली वंडरफुल. देखो, गिव मी 5 सेकंड्स देवांग, जस्ट गिव मी 5 सेकंड्स. मैं इसके लिरिक्स निकाल लेता हूं. मैं इसके लिरिक्स अपना दिमाग थोड़ा सा, टेक योर टाइम, वी जॉइन यू. वी कैन गो लाइक दिस एज़ वेल. अच्छा, किसी के माइक से मेरे को रिवर्ट बैक आ रहा है. रिवर्ट बैक आ रहा है.
आवाज रिपीट हो रही है किसी ना किसी के माइक से. अब सही है. ऑल गुड. I think Suman ka hai problem. Suman, could you please turn off your mic for just once? Okay, is it better? Yeah, yeah, yeah. I think Suman aapki taraf se hi tha wo. I guess aapne shayad speaker mode pe le rakha hai. Agar aap earphone use karenge, so that will be good. Yeah. Yeah, Devang, we go with the song. And this is to Moose and everybody. Shreya Baji bhi aa gaya, wo mera saath de sakte hain. मैं ऐसा अकेला अकेला फील करता हूँ यार. अगर कोई साथ में म्यूजिशियन मिल जाता है ना हमको, हमको ऐसा भाईचारा मिल जाता है तो ऐसा इतना ऐसे दिल गदगद हो जाता है बिल्कुल. ऑलराइट, शुरू करते हैं. हमारी तो अभी प्रॉक्सी बन चुकी है ना हम दोनों की. हाँ एक्चुअली. ओके शरीफा जी, अपन गा रहे जंगल जंगल बात चली है पता चला है. सो पूरा नहीं आता है मेरे को, मैं मेन मेन लाइन गाऊंगा. आप शुरू करिए, अगर आपको शुरू से आता है तो फिर मैं जो मेन लाइन आएगी वहां पे मैं गाऊंगा. दो लाइनें गाएंगे यार, ठीक है. अच्छा okay. चलो ठीक है. 3, 2, 1 गो. जंगल 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 बात चली है पता चला है. जंगल जंगल अरे प्लीज कंटिन्यू. गूगल की जय हो. सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय हेडफोन, सो आई हैव टू रिमूव दैट एंड नो ऑप्शन एट द मोमेंट. आई इवन फील सो कंफर्टेबल सुमन दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग यू नो हेडफोन्स एंड ऑल, दिस इज वेरी मच कंफर्टेबल विद विदाउट हेडफोन्स एंड ऑल. आई वाज आल्सो ट्राइंग विद हेडफोन. It was uncomfortable to feel out. Even we was live, Kshitij and I was live for 1 or 2 hours that day. Bina mic ke, bina instrument ke, and that was quite too good. Raat ko 12 baje, 12:30 baje. So we can try like that. Anyways, experiment hai and we have lots of day till quarantine khatam hone mein, lockdown khatam hone mein. So we will be the expert of this StreamYard.com, this application. Absolutely. तो और क्या सुना रहे हैं, कुछ बढ़िया सा? शरीफा जी आपकी तरफ से गाना हो जाए प्लीज, आपको नहीं सुना बहुत टाइम से यार. कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ. देवांग डू पिंग मी आफ्टर दैट ना. तो मैं सोच रहा हूँ कुछ इस ड्यूरेशन पे कुछ चीजें तैयार हो जाए. मैंने अब तक कोई अपने पर्सनल सॉन्ग्स पे ओरिजिनल्स पे किसी का वर्कआउट नहीं किया है. हरिंदर सिंह एक परिंदा है शर्मिंदा था वो नंगा. यस एग्जैक्टली. टूटा टूटा एक परिंदा ले लेते हैं प्लीज. बस गला ही ठीक है, गिटार उटार तो बस ठीक ठाक है. आई थिंक ए से मैं एफ ले रहा था. चलेगा ए तो बहुत ऊपर हो जाएगा. देखिए, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा. थोड़ा थोड़ा सा नीचे लेना, थोड़ा सा नीचे. ओके ई पे लेते हैं.
टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा 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 एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आत्मा से आकर गिरा जमीन पर आत्मा से आकर गिरा जमीन पर। बाबू में फिर भी बादल गिरे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। पर ही दोस्त नहीं था उड़ना सीखा ओके अपने पर ही दोस्त ओके अपने पर ही दोस्त ने उड़ना सीखा। हमको अपने साथ मिले दर्द भी करने काम आएगा अल्लाह के बंदे हंसे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंसे हो कल फिर आएगा अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे जो भी हो कल फिर आएगा। क्या बात है क्या बात है वेरी वेरी जोरदार। दिस वन इज फॉर ऑल द व्यूअर्स जो लाइव है। बिल्कुल सर। जितने लोग हमारे अभी व्यूअर्स हैं ऑडियंस मेंबर्स हैं उन सभी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि और साथ में पैनलिस्ट के लिए भी कि कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय बच्चन जी को जानते हैं। देखो बातचीत तो कभी नहीं हुई हमारी उनसे बट जानते जरूर हैं। हाँ मतलब जानते मतलब जानते हाँ। कितने ऐसे लोग हैं जो नीता अंबानी को जानते हैं। जी हम भी जानते हैं। जानते हैं हमारी तो चाची है वो हम तो जानते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ऑलराइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट There is a panelist amongst us and the panelist has featured with the likes of such legends. Rekha ji ko kitne log jante hain? Rekha ji ko. Wow. Sab jante hain. She is the queen of beauty and dance and expressions and what not. She is a living legend. So there has been a list which has been compiled and this list has got 50 most influential इंडियन वीमेन वर्ल्ड वाइड मतलब 50 ऐसी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन वीमेन ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में जो रह रही हैं उस लिस्ट में हमारी मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2018 मिस सुमन चेलानी फीचर करती हैं। सो लेट अस क्लैप वंस फॉर हर फॉर अचीविंग दिस वंडरफुल फीट। अपने आप में काबिल तारीफ ये बात है। और क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ सुमन से तो सुमन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज योर वन एडवाइस योर वन सजेशन टू ऑल द पीपल हु आर लॉक्ड डाउन इन देयर हाउसेस एंड व्हाट इज दैट ग्लिमर ऑफ होप व्हिच यू वुड लाइक टू शोकेस अ ब्राइट लाइट अपॉन। गौरव गौरव आई एम मिसिंग इट आई कांट हियर यू गौरव यू हैव टू कम अगेन आई एम सो सॉरी आई कांट हियर यू। नॉट अ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग दीस चैलेंजेस। आई विल रिपीट माय क्वेश्चन हियर। So I said, Suman, that you have featured with 50 most influential Indian women worldwide list. You featured with the likes of Rekha ji. You featured with the likes of Aishwarya Rai Bachchan, with the likes of Anita Ambani. Yes. And in this tough time of the pandemic, COVID-19, where all the people are locked inside of their houses, what is your one advice? What is your one suggestion? I believe Suman has just joined in, right? She has just joined in. Yeah. Back again. I still can't hear you. I'm so sorry. I can't hear you. Suman, मैं एक बार अपनी बात फिर से रिपीट कर देता हूँ। ब्यूटी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, गर्दन कटा सकते हैं। ओके सुमन मैं पूछना चाहूंगा। I can't hear you. क्वेश्चन जो है वो चैट पे लिख के भेज दीजिए ना। That is what. So I guess उनको मिल जाएगा।
Kshitij, आप ये क्वेश्चन अगर चैट पे लिखकर भेज पाए तो बिकॉज इट वुड बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी टू राइट दिस क्वेश्चन व्हाइल हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू ऑल. सॉरी, आई कांट हियर यू ऑल. आई कैनॉट हियर यू. मेबी देयर इज सम नेटवर्क इशू. हाउएवर, आई वांट टू से बिग थैंक यू टू क्षितिज एंड टू इवन थांगा फॉर हैविंग मी इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग. देवांग, यू हैव बीन अमेजिंग सिंगर. आई वुड से यू नो योर परफॉर्मेंस सो वेल. ऑल द बेस्ट टू यू. बेस्ट मेमोरी अगर मेरी जिंदगी की सबसे रही है, सबसे खूबसूरत मेमोरी मेरी जिंदगी की रही है तो वो है आज इवेंट संगर के साथ. I'm taking lots of memory with you all and please stay connected. आप जरूर से जरूर follow करें Event Sangar and Kshitij को on Instagram and Facebook as well. You can connect me on Suman Chilani on Facebook and Instagram. I'm saying big thank you. Please stay home. आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा and हमारा देश स्वस्थ रहेगा. So lockdown में please support government rules and please be home. Thank you so much. बचपन की यादें बहुत ताज़ा हो गई. Thank you so much. Saying hasta la vista to you all. तो दोस्तों ये थी हमारी मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2018 मिस सुमन चरानी एंड शी गेव अ ग्रेट इनसाइट इनसाइड ऑफ दिस सेशन. शी आंसर्ड द क्वेश्चंस. शी वाज सच अ बिग एंड गुड स्पोर्ट. शी टुक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज, आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड आल्सो गेव सम fabulous advice to all the audience members, those who are watching, as well as it was such a fresh breath of air for us panelists. Matlab hame bhi acha lagta hai yaar jab sundar sundar ladkiyan aati hain. Matlab panelists bhi kya bhi insaan hai. Kshitij ki dekho smile hi nahi ruk rahi bilkul bhai, main bata raha hu. Sahi baat hai. So dear friends, kyunki thodi der pehle hum log kar rahe the wo game, to main chahunga us game ko main continue karu till the time Devang gets back and Isha gets back to this live broadcast session. शरीफ आजी, जो गेम था बड़ा सिंपल सा था. गेम कुछ इस तरीके से था कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक ऑब्जेक्ट क्या है और वो ऑब्जेक्ट किस मूवी से है. आपको मूवी का नाम बताना है एंड ऑडियंस मेंबर्स रियली वर एंजॉयिंग दिस अ ग्रेट डील एंड आई बिलीव ऑल द ऑडियंस मेंबर्स आर रेडी अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स टू आंसर द क्वेश्चन. मैं आप लोगों से ऑब्जेक्ट का नाम लूंगा, पैनलिस्ट से भी और साथ ही साथ हमारे ऑडियंस मेंबर्स से भी, और जो हमारे आंसर्स होंगे मूवी के नाम के तौर पर. तो यहाँ पर पूछते हैं, मेरा जो सवाल है वो है एक ऑब्जेक्ट का नाम आपको बताना है. ये मूवी कौन सी है, ये जो ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ इस बार ले रहा हूँ एक बॉलीवुड मूवी से और वो है एक बैट, क्रिकेट का बैट. क्रिकेट का बैट है, कौन सी मूवी से है आपको बताना है. व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी. सो दिस इज टू ऑल द ऑडियंस मेंबर्स एज वेल एज द पैनलिस्ट. देयर इज ऑप्शन लगान और MS Dhoni. Sherry Paji, I believe there is some disturbance on your end and I'm not able to listen to Sherry Paji. Yeah, you are back. Is it MS Dhoni? MS Dhoni is not the correct answer. There is one more movie, very famous, not even Sachin Tendulkar the documentary, but there is one more, just to give you all a little more hint, that is that it was a lucky bat. Lucky bat. Oh. Lucky bat tha. What is the name of the movie? Starts Samadhi with the letter C. C for capital से start होता है. What is the name of the movie? एक ऐसी चीज है, हाँ, एक ऐसी चीज है पहनने की जिसके अंदर जिसके अंदर वो नहीं होती है, लुंगी में वो नहीं होती. चलो एक solid hint दे देता हूँ. लुंगी में वो नहीं होती है और jeans के अंदर वो होती है, उससे नाम start है. That is the word. उससे नाम start है. Chain. Chain is the first chain word. Khuli ki main, khuli ki chain. Chain khuli ki main khuli is the correct chain answer. Thewa. Yes. Chain khuli ki main khuli is the correct answer. Very well done. आपने बहुत अच्छा जवाब दिया. चलो सिंगरों की लॉबी से आंसर आ गया तो मैं भी जीत गया इसमें. हाँ जी, बिल्कुल. बिल्कुल सही बात कही आपने. Okay. थोड़ी देर पहले ऐसा ही मैंने एक और सवाल पूछा था. ये जो है जितने भी मोटर बाइक लवर्स हैं, जिनको मोटर बाइक्स पसंद है, मोटरसाइकिल्स पसंद है, उनको बहुत अपील करेगा. एंड देर इज अ मॉडल ऑफ अ मोटर बाइक जो मैं आप लोगों को पूछने वाला हूं और आप मुझे बताएंगे कि कौन सी मूवी से है. द मॉडल ऑफ द मोटर बाइक मोटरसाइकिल इज BMW K1300R.
BMW K1300R. This is the name of the model of the motorbike. BMW K1300R. Yes, Devan. Doom 2. No. Doom 2 is not the correct answer. Doom 2 is not the correct answer. So let us hear the answer from the audience members. मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं आपको ऑब्जेक्ट पूछ रहा हूं, आपको बताना है किस मूवी में है. इस बार मैंने आपसे पूछा है एक मोटरसाइकिल का मॉडल, वो है BMW की मोटरसाइकिल है, BMW K1300R. सुधांशु प्रताप सिंह से धूम 3. सुधांशु प्रताप सिंह इज सेइंग धूम 3. धूम 3 इज द करेक्ट आंसर. इट इज द परफेक्ट आंसर. एक बार इनके लिए हमारे पैनलिस्ट भाई प्लीज तालियां बजा दीजिए. कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज क्लैप फॉर सुधांशु प्रताप सिंह. वेरी वेल डन सुधांशु. धूम 3 इज द करेक्ट आंसर. मैं नेक्स्ट आप सभी से पूछता हूं, क्योंकि देखो हमारे पास में टाइम की कोई कमी नहीं है. सो हियर इज वन मोर आई एम गोइंग टू आस्क ईच वन ऑफ यू, एंड दैट इज, एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी, पानी की टंकी, पानी की टंकी. व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी? शोले. शोले नहीं है. शोले का एक आंसर पहले आ चुका है. सो दिस वन इज अ लिटिल डिफरेंट. पानी की टंकी है बैकग्राउंड में, वहां पर एक वार्तालाप चलता है. देयर इज अ डिस्कशन व्हिच इज गोइंग ऑन. वो डिस्कशन भी कुछ लोग बता देंगे मुझे. थ्री इडियट्स इज द करेक्ट आंसर. शरीफाजी आपके लिए मैं तालियां बजाऊंगा. एक बार मैं ये जो पेन है यहाँ पर रख देता हूँ. अच्छा गाइस, ओके, एक और आंसर आ गया यहाँ पे, सेम आंसर आ गया. यस, हरिता जोशी इज सेइंग थ्री इडियट्स व्हिच इज द करेक्ट आंसर. My next question to each one of you, those who are watching this. My next question, those of you who are watching this, is, I dare you, I double dare you to answer. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो next question है, वो है कि आप मुझे बताएं, there was a carom board, कौन सी movie से है? Which movie I'm talking about? A carom board. Yes, Devan. MBBS. मुन्ना भाई, MBBS is the perfect answer. Very well done, brother. Very well done. Thank you. इसका मतलब ये कि आप अपने खाली टाइम में मूवीज देखते हो. बिल्कुल. देखो, एक म्यूजिशियन के पास दो ही काम होते हैं, गाना बजाना और मूवीज देखना. And उसमें हम लोग खुश हैं. बिल्कुल. और होना भी चाहिए. But has to be the great Actually. thing. आप देख रहे हो, जब आप बड़े हुए तो आपके पास ये दो काम है. जब हम बचपन में थे तो हमारे पास कुछ भी काम नहीं था खेलने और खाने के अलावा, तो हम तो उसमें खुश थे. तो हमारा बचपन जो है वो अब जा चुका है. बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि सारे आर्टिस्ट एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को. एंड वी आर इन अ डिफरेंट लीग. आई एम नॉट सेइंग दैट दोज हु आर वर्किंग इन सम एसेंशियल सर्विसेज और दोज हु आर वर्किंग इन अ जॉब, दे आर आल्सो डूइंग अ ग्रेट टास्क एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द कंट्री एंड टुवर्ड्स देयर फैमिली मेंबर्स एंड देमसेल्व्स. बहुत अच्छी बात है. एक सवाल यहाँ पर आया है, इट्स अ रिक्वेस्ट आई बिलीव. Devang, can you please sing any fusion from childhood? Anisha is asking. Any fusion song from childhood? Back in the days, any fusion song we used to hear? Okay, so I don't know about fusion, but definitely I can sing one childhood song which we all have at least sung once in our life. और ये गाना हमने जरूर कभी ना कभी गाया होगा स्कूल में या फिर कहीं ना कहीं तो जरूर गाया है. So I request everyone to please join in on this one. And ये बहुत ही प्यारा गाना है. I hope आप लोगों को पसंद आए. जी बिल्कुल. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा घोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा घोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा. घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई. चकबक 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 चकबक, घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई. दौड़ा 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 तुम उठा.
आगे दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे हमारा दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। थैंक यू, क्या बात है। देखो भैया अभी ना आपने गाना गाया ना तो मैं अपने प्यारे से घोड़े को उठा के लेके आ गए वहां से। माय नेम इज बंटी शर्मा, रोल नंबर 24 सेक्टर 3A में पढ़ता हूं मैं। मेरे स्कूल का नाम बाल भारती पब्लिक स्कूल। मुझे ना अपनी साइंस वाली मैडम बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे प्यार करता हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बंटी शर्मा क्या इंट्रो दिया है आपने। बंटी शर्मा और क्या बोलूं यार, मैं इतना नहीं बोल सकता। मैं अब थोड़ा सा बड़ा होगा ना, धीरे धीरे, तो मैं इतना नहीं बोल सकता। बचपन में आया तो कुछ तो बोलना चाहिए ना यार। बचपन में आया हूँ मैं, कोई अभी ऐसे थोड़ा ना बोल दूंगा मैं। बचपन की शैतानियां बताइए, क्या करी है आपने शैतानियां। देखो शैतानियां तो कुछ नहीं थी यार, शैतानी तो कुछ नहीं थी। मैंने ना एक बार आई लव यू लिख के एक लड़की के ऊपर पर्ची फेंक दी थी, फिर मेरे टीचर ने बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा उन्होंने मुझे। घर वालों ने तो कुछ नहीं बोला। घर वाले तो कह रहे थे तुझे किस लड़की से प्यार हुआ है बता, शादी करवा देते तेरी। फिर क्या, फिर कुछ नहीं यार, वो खाना देना बंद कर दिया उन्होंने मेरे को। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, बंटी शर्मा जा रहा हूँ वापस। फिर बंटी शर्मा मैं रोटी खाऊंगा जाके, मेरी मम्मी ने खाना बनाया, मैं जा रहा हूँ। अरे यार हाँ जी शरीफा जी, आपकी तरफ से कुछ हो जाए, कोई पुराना गाना, कोई ऐसा जो बचपन से कुछ आता है तो आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट सॉन्ग। या मैं आई एम सिंगिंग दिस वन फॉर एवरीवन एंड रियली बंटी भाई मजा आ गया, और ऐसा एक घोड़ा मुझे भी चाहिए इस लॉकडाउन के बाद। एंड खाली सलमान भाई घोड़े पे घूम रहे हैं इस लॉकडाउन में, सो वी ऑल्सो नीड वन घोड़ा। ये गानों में सभी बच्चों को डेडिकेट करता हूँ। आज हम हमारा बचपन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जितने पेरेंट्स घर पे बैठे हैं वो अपने साथ अगर बच्चों को भी लाइव दिखा रहे हो तो ये उनको ये सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। अच्छा सॉरी हमारे गेस्ट आ चुके हैं, हमारे गौरव आरजे ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको लाइव ले रहा हूँ। All right, so we have, ladies and gentlemen, we have now RJ Rishi joining us here in this live session of Hamara Bachpan. और हमारे बचपन को और ज्यादा खुशनुमा और हसीन बनाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हमारे एक और स्पेशल गेस्ट आरजे ऋषि 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 ऋषि। हेलो क्या हाल है। अरे क्या बात है ऋषि जी, कैसे हैं। तो बढ़िया भाई, क्या हाल चाल है। ऋषि जी आप तो लगते भी बिल्कुल ऋषि की तरह हैं। ऋषि जी आपके साउथ के हैं। अच्छा मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जितने भी पैनलिस्ट हमारे हैं और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, अभी दोबारा से जो रामायण आई थी उसमें इनको एक रोल प्ले करने को बोला था, पर ऋषि जी ने मना कर दिया। ऋषि जी कहते नहीं, मुझे एक हमारा बचपन नाम के लाइव सेशन में जाना है, मैं वो जाऊंगा पहले, तुम्हारा रोल बाद में करूंगा मैं। और दूसरी ये बात है कि एक और फोन आया था यार, बतावट 2 बन रही है, उसमें खिलजी का बेटे का रोल मिल रहा है, तो मैंने बोला है क्या, हाँ करना है। कर लेना, जरूरी भी है, करना जरूरी है। तो ऋषि जी आप से मैं कुछ बातचीत यहाँ पर करना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स ऐसे हैं जो कि लाइव आर्टिस्ट के जो परफॉर्मेंस जो रहती हैं उनसे बड़े खुश होते हैं, और इस प्रोफेशन में जरूर आना चाहते हैं, और इस प्रोफेशन में आने के कुछ टिप्स स्पेशली इनटू द फील्ड ऑफ आरजे रेडियो जॉकी के, अगर कुछ फील्ड के टिप्स मुझे आप दे पाएं, क्योंकि व्हाट बेटर देन आस्किंग समबडी हु इज वर्किंग इन दिस फील्ड एंड नोज अ ग्रेट डील अबाउट इट। थैंक यू गौरव फॉर योर काइंड वर्ड्स। पहले तो आई एम सो हैप्पी दैट मुझे मौका मिला है दैट आई एम चैटिंग विद यू वाया दिस मीडियम अबाउट एवरीथिंग। बट गौरव ऐसी कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग या ऐसी कोई तालीम नहीं है जो आप ले सकते हो टू बिकम अ प्रोफेशनल आरजे और सक्सेसफुल आरजे। देयर आर टू थिंग्स यार, मेरे को दो चीज से बहुत प्यार है, एक है पैशन और दूसरा है पेशेंस। ये दो चीज अगर आप इसका मूल्य जान ले तो आई डू नॉट थिंक के ऐसी कोई भी चीज है जो आप करना चाहे और आप नहीं कर पाए। रही बात आरजे की, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेक श्योर कि आपकी आवाज का आप ध्यान रखें, दैट मीन्स कि आप अपने गले का बहुत ध्यान रखें।
राइट. सो अपने गले का ध्यान रखने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज प्लीज सुबह उठ के हैव हॉट वाटर एक ग्लास. एंड उसके बाद एक बहुत सिंपल ट्रिक है जो क्लियर डिक्शन के लिए होती है, रेडियो पे जो बहुत क्लियरली होता है, न्यूज़पेपर होता है या कोई भी चीज आप पढ़ो उसको आप प्रॉपरली लाउडली मुंह हिला के पढ़िए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गौरव का नाम ले रहा हूँ तो मैं गौरव ऐसे नॉर्मली नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा गौरव. तो ये एक माउथ एक्सरसाइज होती है जिसमें थ्रोट और माउथ और टंग की एक्सरसाइज होती है जिससे डिक्शन साफ होता है. तो ये मैं बहुत करता था, ये मुझे सिखाया गया था रेडियो में जो मेरी एक बहुत बहुत फेवरेट आरजे रही थी, उनका नाम है आरजे देव थी, उन्होंने मुझे ये एक्सरसाइज सिखाई थी जब मैं नया नया रेडियो में था. तो ये एक्सरसाइज मैं बहुत करता था, न्यूज़पेपर को बोल्डली पढ़ता था, स्लोली पढ़ता था, तो उससे मेरा डिक्शन पे पावर बहुत आता है. दूसरी एक चीज अगर एक सक्सेसफुल आरजे बनना है तो वो है नॉलेज. हर एक प्लेटफॉर्म पे, अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म पे आप सोशल मीडिया पे बहुत बहुत ध्यान से अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए. व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, व्हाटएवर इज ट्रेंडिंग, दैट हेल्प्स यू अ लॉट. सो दीज टू थिंग्स अगर आप कर लो आपके शो तो बन जाएंगे, आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज तो आते रहेंगे. अगर आपने कीड़ा है तो आपकी क्रिएटिविटी बन तो होगी. सो मेरे लिए ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो गले का ध्यान रखिए, पैशन एंड ऑफ कोर्स पेशेंस. थैंक यू ऋषि फॉर आंसरिंग दिस सो ब्यूटीफुली. देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम अनविता, शी इज वन ऑफ द व्यूअर्स एंड शी इज आस्किंग हाउ वाज योर बचपन. How was your bachpan? Was it good, in full of enjoyment, a little serious? जो टैग जो थीम लिया है आपने टॉपिक उसके ऊपर ये जो मूंगली का ये आपने दिया है एनिमेशन, यार इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. बहुत शैतान था मैं, बहुत शैतान था, पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था. दैट डज नॉट मीन दैट आई एम सेंडिंग आउट अ मैसेज टू व्होएवर इज वाचिंग दैट पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है. बट यस, देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट दैट वी हैव. और मेरा टैलेंट बचपन में आया था हमारे साथ में जुड़े हुए शरी भाई, कैसे हो आप? एंड दैट्स हाउ इट इज. तो बचपन वाज वेरी नॉटी, बहुत नोटोरियस था मैं, एंड शैतानी में पूरा बचपन निकला है, बहुत सारी मेमोरीज है. आई वाज इनटू अ बोर्डिंग स्कूल यार, मैं हॉस्टल में पढ़ा पढ़ा हूँ. तो बचपन से ही तन्हाई और अकेलापन का मतलब समझ गया था मैं, रैगिंग का मतलब समझ गया था मैं. ऋषि, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम जर्मनी. यू सी, वी हैव वर्ल्ड वाइड ऑडियंस अवेलेबल हियर विद अस, दोज़ हू आर वाचिंग दिस हमारा बचपन सेशन. एंड फ्रॉम जर्मनी अंशुल इज आस्किंग व्हाट वाज योर फेवरेट चाइल्डहुड गेम, व्हाट यू वुड प्ले एज अ चाइल्ड. फेवरेट चाइल्डहुड गेम मेरा ये था, मेरी एक बड़ी बहन है, मैं मेरी बड़ी बहन के साथ, मुझे उसका नाम पता नहीं है, वो ऐसे ड्रॉ करते हैं हम रोड पे या सड़क पे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 इस्तापू, इस्तापू, यस यस. तो इस्तापू इज द नेम ऑफ द गेम. लंगड़ी करके आगे जाना, फिर दो स्टेप, फिर वापस लंगड़ी, एंड देन टर्न अराउंड एंड वापस लंगड़ी, फिर वो पत्थर उठाना और वापस आना. उसमें मैं हमेशा हारता था. दैट वाज माय फेवरेट गेम, क्योंकि मुझे हमेशा आती नहीं हो, मेरी बहन हमेशा जीत जाती थी. That is my favorite game from my bachpan. And obviously, एक और game है, अगर घर के अंदर बैठ के खेलते थे तो मैं बचपन में Super Mario video game बहुत खेलता था, जो आजकल मिलती नहीं है. So that these two are my bachpans. I'm a 90s kid. So मेरा बचपन इतना गुजरा. Okay, there is a request coming from Australia. Australia has been watching this session from a very long time, and she also gave one request and we took that request, but here is another request from Australia, and the request is, Devang, the way you sang for Miss India, let's see if you can sing for RJ Rishi. So Devang, it's a sort of a challenge which has been posed to you, so let us see and let's hear what you sing for RJ Rishi Raj. Great. So first of all, good evening, Rishi. I hope you're doing good. So my name is Devang, and let me just quickly introduce myself. So I'm from Jaipur, and I'm a musician. So basically, I am based out of Jaipur, and I have a band, and I'm into music full time. So we have been doing these sessions from a long time, and it's been working out really, really well. So first of all, thanks to Shritish for organizing this, and secondly, to all the panelists who are coming every day.
to entertain the people who are watching this. And thank you so much for coming, RJ Rishi, and entertaining us over here and spreading the knowledge that you have. So since Australia is requesting me to sing a song for you, so you can tell me, sir, aap kaun sa gaana sunna chahenge? You tell me. Be very honest, I really like this song, which is called Kajra Mohabbat Wala. So absolutely for sure. Usme ek twist bhi hai. And I'm not sure, Rishi, are you from Jaipur by any chance? No. Okay, where are you from? Main Ahmedabad mein born hua, and then I studied in aur ab main Bombay mein kaam kar raha hu. Okay. All right. Just give me one second. So what I have done is I definitely love that song. Or maine thoda sa usme changes kiye hain. I'm sure you're gonna love that, because since I'm based out of Jaipur and I perform in Jaipur, so kya maine us gaane ko thoda sa Jaipur centric bana diya hai. And I'm sure you will be able to notice that when I come to that line. So I hope everybody likes this one. Thank you. कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, ओ आई हो कहां से गोरी आंखों में प्यार लेके, आई हो कहां से गोरी आंखों में प्यार लेके, जयपुर शहर का सारा बापू बाजार लेके, जयपुर शहर का सारा बापू बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान. Thank you so much. thank you so much. Thank phenomenal, you. Phenomenal Devang, क्या बात है? Thank you. आपने क्या बेहतरीन तरीके से गाना गाया. तो ऋषि, आपको ये सॉन्ग सुनने के बाद कैसा लगा? That जयपुर वाला पार्ट और obviously ये बापू बाजार के बारे में बताओ. लोकल टच, यू सी लोकल टच, आर्टिस्ट का अपना लोकल टच है. ऋषि आए Thank you. Okay, perfect. So Rishi, I have one question for you. I believe you would have liked the performance a lot. My question to you is, how difficult and how challenging it is to perform for the live audience, and how difficult it is to perform inside a closed space of a studio for any show on radio? So live audience as well as the radio, enclosed space, one room, one studio. Yaar, whoever asked me this question, first of all, thank you so much. It is an intelligent question. Aise kam questions milte hain. Matlab aise thoda hi na ye shirt pehen ke baithe hain, Rishi ji. Shirt aise thoda hi na pehni hai. Thank you, yaar. Thank you for this wonderful question. I will tell you this. Radio show mere hisab se comparatively easy hota hai. When you are doing a live show for a live audience. Jab aap stage pe hote ho aur uske sath live audience hoti hai, there is no space. No space कि आप जरा भी ग्लिच करें, जरा भी मिस्टेक करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. और दूसरी बात यह है, एक मिनट, फोन कर रहा है, सॉरी, तो उठा लो.
मुझे लग रहा है ये ऋषिराज के कोई फैन है, ही जस्ट वॉन्ट्स टू डिस्टर्ब हिम और मे बी शी वॉन्ट्स टू डिस्टर्ब हिम ड्यूरिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट एंड टेक द ओनरशिप ऑफ दिस एक्शन एंड लेटर यू नो हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कैंडिड चैट विद आरजे ऋषिराज. बिल्कुल और मैं तो कहना चाहूंगा दैट क्रेडिट शुड बी वेयर वेयर इट इज ड्यू. सो आप लोगों की जो मेहनत है स्टूडियो के अंदर मैं उसकी भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जब ऑडियंस होती है तो कहीं ना कहीं आप ऑडियंस की एनर्जी जो आप रिसीव कर रहे हो वो आप वापस डबल ट्रिपल करके दे सकते हो. पर जब आप एक स्टूडियो रूम के अंदर हो यू डोंट हैव एनी मीटर टू गेज द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ द ऑडियंस, सो यू हैव टू हैव इमेंस एनर्जी इनसाइड ऑफ यू. So for that, I would like to clap for you and the entire fraternity of the RJs. Thank you. I mean, you people certainly deserve that. Actually. Gaurav. Gaurav, you there? Yeah, Shitesh. हाँ actually यार आकाश को sorry देवान को ना कहीं जाना है, कुछ काम आ गया है, तो let's एक बार उससे एक दो गाने सुन लेते हैं, then उसको फिर हम leave करते हैं. All right. Uh-huh. जब हमारे साथ सुमन थी तो उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया था एंड दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू आवर चाइल्डहुड मेमोरीज, सो आई विल ट्राई टू सिंग दैट वन एंड आई एम श्योर ये सब लोग रिलेट जरूर करेंगे अपने अपने बचपन से, बिकॉज उन्होंने सबने ये सीरीज देखा होगा. सो आई होप यू लाइक दिस वन. मुमकिन कर दे नामुमकिन को मुमकिन, सोन परी सब हल करती है सबकी मुश्किल सब दिन. मुमकिन को नामुमकिन कर दे नामुमकिन को मुमकिन, सोन परी सब हल करती है सबकी मुश्किल सब दिन. बोलो आई 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 देखा सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई, देखो आई 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 देखो आई आई आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई. इतु पितु जिम पतुता, इतु पितु जिम पतुता, इतु पितु जिम पतुता. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या बात है. मतलब थैंक यू देवांग. हां जी. एक बार शक्तिमान, एक बार ट्राई हो जाए.
ट्रस्ट में मैं शक्तिमान, मेरे को याद ही नहीं है वो गाना कैसा था, अगर याद होता ना मैं पक्का पक्का गाता, आपके लिए जरूर गाता, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रिपेयर इट फॉर द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर। गाना बहुत अच्छा है, आई एम टेलिंग यू ऑल, दिस इज एन आइकॉनिक सॉन्ग। एनीवे विल मेक श्योर कि मैं आपसे ये सॉन्ग पक्का से अगले ब्रॉडकास्ट में जरूर सुनूं, अगले सेशन में जरूर सुनूं। एब्सोल्युटली शक्तिमान सॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऋषि भाई सुना रहे थे, ऋषि भाई सुना रहे थे, ऋषि भाई के मुंह से सुनते हैं। I don't know यार, लेकिन अगर बचपन की यादों में आते हैं तो ये लकड़े की काठी ये सब तो होता ही है, जॉनी जॉनी इतना का होता है, बट वो नर्सरी में गिनता हूँ मैं। मेरे लिए अगर बचपन या ग्रोइंग अप का कोई फेवरेट गाना रहा है मेरा, तो वो है अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अगर So, sir, in that case, Rishi ji, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, if you can sing that song, क्या हम सिंगर्स तो गाते रहते हैं, हमारे लिए भी तो कोई गाए, right? चल ये गाना मैं तेरे लिए डेडिकेट करता हूँ, और जो भी सारे यहाँ पर अपनी टीम बैठी है, ऑल द व्यूअर्स, बस मेरे साथ चले ना, आई थिंक आई कैन मिक्स अप द लिरिक ऑल्सो, डन। आई रियली थिंक आई लव दिस सॉन्ग एंड आई फील रिलेटेड टू दिस सॉन्ग, मेरे बहुत लोग सुना भी है। सो अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, इसके छोटे बाल करा दे, इसको भेजाना रुकवा दे, जल्दी कोई कुड़ी दिखला दे, जल्दी से शादी करवा दे, अम्मा देख आदे तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, पिप पिप आदे तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, या क्या बात है, क्या बात है, सुपर एनर्जी, अमेजिंग, सुपर एनर्जी यू हैव। और मुझे लगता है कि आपने इस गाने की जो बातें थी उसको ज्यादा सीरियसली ले लिया, आपने बोला तेरी माननी नहीं है, मैं बाल कटाऊंगा ही नहीं, और मैं बाल कटाऊंगा ही नहीं। अच्छा गाइस एक बात बताओ, आप देख रहे हो पीछे स्क्रीन पे आपको एक टायर घुमाने वाला एक सीन दिख रहा है, ये गेम किस किसने खेली है? मैंने खेली है, और खेली है आई बिलीव, बिल्कुल मैंने भी, उसमें से शॉट लिया गया है, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड आई बिलीव जितने भी हमारे अभी पैनलिस्ट हैं और ऑडियंस मेंबर्स हैं, उन लोगों ने अगर इसका वेरिएशन ट्राई किया, आप देख रहे हो जो टायर है, कभी कभी टायर ना डंडा मारने की वजह से खराब हो जाता है, सो देयर वाज अनदर वेरिएशन वेयर यू यूज्ड टू पुट टू स्टिक्स लाइक दिस मेकिंग अ क्रॉस, तो ज्यादा स्टेबल बना देता था पूरे सिस्टम को, और फिर देखो टायर भागता था ना, मां कसम बता रहा हूँ नंबर वन में ही आता था। एक और तरीका था, हम क्या करते थे, एक बेस में बड़े से पत्थर टायर के बिल्कुल अंदर फिट हो और फिर वहां से मूव ना हो, वो हैवी पत्थर एक साइड रख देते थे एंड देन वी यूज्ड टू रोल इट। ओके क्या कहते हैं दिवंग, हां जी, योर लास्ट सॉन्ग, पहली मोहब्बत फॉर द आरजे ऋषि। सो ओके एक लास्ट सॉन्ग मैं जरूर गा के जाऊंगा, एंड आई एम श्योर ये गाना सबने सुना है और बहुत डांस किया है बचपन में इस गाने पे सबने, सो आई एम श्योर एवरीबॉडी इज गोइंग टू लव दिस वन, एंड इफ यू नो दिस सॉन्ग लेट्स सिंग अलोंग, ऑलराइट लेट्स डू दिस। हाथ हवा में ऐसे उठाओ, टांग से टैंगो करके दिखाओ, कम से कमरिया जम के हिलाओ, सांस भरो तुम साथ में गाओ, गाओ जब तक सांस बाकी, गाओ इतनी जोर से ताकि जो सुन ले वो गुम हो जाए, छोड़ के सब कुछ नाचे गाए गाए गाए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, चांदी की चमची से चटनी चटाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, चांदी की चमची से चटनी चटाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
thank you so much, guys. Thank you so much for having me over here. So that's all from my end, guys. Thank you so much, Chitis, for having me over here. Thank you so much, Hari Bhaji. Thank you so much, Rishiji. Thank you so much, Gaurav. Thank you so much, especially to Gaurav for curating this session so amazingly. And thanks, such hello. A blast thank I have you, had tonight. So thank you so much for having us over here, guys. I'll take your leave and hope to see you again very, very soon. And that's all from my end, guys. Thank you so much. Have a good night. Thank you, Devang. Please have a good time and enjoy your lockdown period. Stay home, stay safe. Bahar mat jana. Lene jaoge doodh, leke aoge suji. Ghar pe rehna. Very nice. Thank you so much, guys. Thank you so much, Gaurav. Good night, guys. Bye, Devang. And we now have the panelists left with us. We have RJ Rishi. We have Sherry Paji. And we have the moderator, of course. The director of events, Hunger, Kshitij. Kshitij, बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ है और मैं स्पेशली एक बात डिस्कस कर रहा था when we were backstage of this app. There is a backstage of this app and that was ये बंदा इतना talented है ना, मैं आपको बता रहा हूँ. एक गाड़ी है, वो गाड़ी है i10. आपने देखा होगा, छोटी मोटी प्यारी सी गाड़ी है. इस बंदे ने डूंगरपुर की सड़कों पे उस गाड़ी को इतना चलाया गाड़ी ने दम तोड़ दिया. गाड़ी कहती मैं नहीं चल रही, उल्टी गिर गई ऐसे. सो सच इज द टैलेंट ऑफ दिस गाय क्षितिज. बट मैं तो ये यहां तक कहना चाहूंगा कि क्षितिज आपको कहीं एक ना एक हैंडपंप या फिर एक छोटी सी प्याऊ तो लगवा देनी चाहिए ऊपर वाले ने, आपकी जान बचाई मेरे दोस्त. और कुछ नहीं तो 500 रुपए दान कर देना पीएम केयर्स फंड के अंदर, ठीक है? ऑलरेडी डन ब्रो, ऑलरेडी डन. एक बार दोबारा कर दे, अमीर आदमी, दो दो शेक पीता है तू, एक बार दोबारा कर दे, अब दोबारा कर. एंड ऑफ कोर्स क्षितिज, आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में ब्रेक हो गई, इफ यू कुड कम अगेन प्लीज. आई एम थिंक देयर इज वन रिक्वेस्ट फॉर शेरी, शेरी बाजी. ओके, शेरी के लिए रिक्वेस्ट है. क्षितिज, इफ यू कुड टेल मी कि ये रिक्वेस्ट किसकी तरफ से, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन एंड वेयर वी गॉट दिस रिक्वेस्ट. इंस्टा पे है Anjali Sharma. Anjali Sharma has, Anjali Sharma from Instagram has requested that Sherry sir, can you sing Ye Mera India? Paaji, ye song to banta hai aapke liye. Sure. Aur specially aaj ke time mein, wherein we all. Pardeep. Ab ye to aap dekh lo, aap expert ho is mamle ke. Ye nahi expert to kya kya hai? Bas jeevan seekhne mein nikle aur aakhri saans seekh se seekhte jaye, bas yehi. इच्छा जो, है और कोई ना जो जिंदगी भर सीख रहा है वो तो इतना सीख चुका है. लॉट्स ऑफ लव फॉर एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स. एंड ऋषि पाजी हमारे साथ जुड़े हैं तो ढेर सारा प्यार आपके लिए. और आई वाज रियली वेरी मच इंटरेस्टेड व्हेनेवर द आरजेस आर देयर, सो आई वांट टू लिसन दैट. बट फ्रैंकली बोलूंगा, वो उस समय पूरा जो कन्वर्सेशन हुआ उसमें से कुछ भी समझ नहीं आया था क्योंकि बिकॉज ऑफ नेटवर्क. So I definitely want कि हमारी फील्ड से अगर लोग कुछ एक दूसरे को गाइडेंस देते हैं, so I definitely need your that things कि आप जरूर बताइएगा कि आरजेइंग के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या चीजें हैं, अगर हम कोशिश कर सकते हैं अगर अच्छी तो. तो फिलहाल मैं ये सॉन्ग के बारे में बताना चाहूंगा कि ऋषि अभी अपने बेडरूम में बैठे हुए थे, वहां से ये चलना चालू किया इन्होंने और सीधे ही आ गए हैं अभी हेवन में, स्वर्ग लोक में आ चुके हैं. स्वर्ग लोक में माता जी है. माता जी प्रणाम, नमस्ते. चलिए तो इससे बढ़िया शेरी भाई हो जाए हमारा बचपन. शेरी भाई, सॉरी ऋषि भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी. मैं कह रहा हूँ हमारा बचपन सबसे ज्यादा इन्होंने देखा है, तो इसके लिए मैं सोचा ही. तो एक बार माताजी के लिए और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए शेरी पाजी की तरफ से, वेटिंग फॉर द सॉन्ग, लेट अस ऑल हियर इट. दोज़ हू आर वाचिंग अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, प्लीज गिव अस सम हार्ट्स एंड लाइक्स सो दैट वी कैन कीप ऑन एंजॉयिंग दिस सेशन ऑफ हमारा बचपन. सो ये सुनिएगा, मैं किस चीज के लिए जाना जाता हूँ ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल. प्रणाम, प्रणाम आपको भी. लेकिन शायद माहौल जो हो उसको समझना जरूरी चाहिए. ऋषि भाई वहीं पे रहिएगा, ये उन्हें जरूर सुनाइए, मैं उनके लिए गा रहा हूँ स्पेशली. ओ अच्छा, ये सभी माओ के लिए हैं और स्पेशली एट दिस टाइम माय मॉम इज आल्सो इन दिल्ली, शी इज माय विद यंगर सिस्टर.
महेंद्र सिंह द्योपा जी, पूरी युवा मोर्चा की ये टीम है पिथौरागढ़ से, इनको भी मैं सलाम करता हूँ। और सुनिएगा, यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां, तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है, मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, ओ खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा ओ माँ। थैंक यू सो मच, आप मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे और लोग सुनते रहे। So, ये जो दो माएं यहाँ पर हैं जो मैं देख पा रहा हूँ और जितनी भी माएं हैं हमें देख पा रही हैं सुन पा रही हैं, उनके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। बस दो लाइनें कुछ इस तरीके से हैं कि कमा के इतनी दौलत भी ना दे पाया मैं अपनी माँ को, कि कमा के इतनी दौलत भी ना दे पाया मैं अपनी माँ को कि जितने सिक्कों से वो मेरी नजर उतारा करती थी। क्या बात है गौरव, बहुत खूब। मैं इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, पहली बार आपके बचपन के और इवेंट्स अंदर की हुआ है, एवरीबॉडी प्लीज पोस्ट, ये आ गया मेरा स्क्रीनशॉट यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जाते जाते मैं बस आरजे ऋषि जो है हमारे उनसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट भी है और एक सवाल भी है, एक सजेशन भी है जो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर। ऋषि जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मैंने मिस जलानी से भी पूछा था, ड्यूरिंग दिस tough time of the ongoing pandemic scenario, what is your one suggestion, request to all the countrymen? Yeah, I think to be very honest, it was serious. मुझे खुशी ये बात की है कि ज्यादातर लोग एक हुए हैं और समझ चुके हैं इस चीज की सीरियसनेस। अगर तुम मैसेज देना चाहो या कोई सजेशन देना चाहो तो मेरे सजेशन में सहमति आती है कि जो लोग अभी भी इस आंदोलन का पालन नहीं कर रहे और सपोर्ट नहीं कर रहे सिस्टम को, प्लीज सीरियसनेस समझ के सपोर्ट कीजिए, बाहर मत घूमिए। अभी भी बहुत 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 सरप्राइजिंग लगता है कि हमसे उम्र में बड़े लोग वॉकिंग के लिए निकलते हैं, हमारे जो युवा लोग हैं यूथ जो फ्यूचर है वो ऐसे ही टहलने निकलते हैं, बाइक पे निकलते हैं, सड़कों पे चिल करते हैं। फिलहाल मत करो, फिलहाल थोड़ा सपोर्ट कर लो, because this is very serious. एक चीज और है कि जो ओल्ड लोग हैं उन्हें अगर कोरोना हो और जो यंग लोग हैं उन्हें अगर कोरोना हो तो हॉस्पिटल में फर्स्ट प्रेफरेंस यूथ को दिया जाता है और ओल्ड लोगों को नहीं। तो आई एम स्टिल सेइंग एंड इट्स अ अर्ज, अ बिग अर्ज टू द यूथ, प्लीज स्टे होम, प्लीज फॉलो द रूल, डू नॉट गेट आउट। अगर सिद्धिक मुझे जानता है इसमें सिद्धिक को पता है कि मैं घर में नहीं रह सकता, मैं बहुत ज़्यादा पार्टी करता हूँ बहुत ज्यादा, और अगर मैं पिछले 25-26 दिन से घर में हूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक रहा है, प्लीज इट इज नॉट नेसेसरी एंड अर्जेंट, डोंट गेट आउट। ऑलराइट, क्या बात है, बहुत सही आपने बात यहाँ पर कही आरजे ऋषिराज, और आपकी इस बात से मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे यहाँ पर जितने भी लोग पैनल में हैं एंड ऑल्सो द पीपल हु आर वॉचिंग दिस सेशन ऑफ हमारा बचपन, सभी लोग आपकी इस बात से अग्री भी करते होंगे। जाने से पहले बस एक छोटा सा सवाल मैं शरीफा जी आपसे भी करना चाहूंगा कि कोई एक ऐसी छोटी सी एडवाइस जो आपके हिसाब से जितने भी हमारे देशवासी हैं
आप उनसे कहना चाहें, उन्हें बताना चाहें, समझाना चाहें कि भाई किस तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं? इट्स बीइंग वेरी इजी दैट जो कहावत है कि हम सोचते हैं सब लोग बड़े समझदार हैं पहली बात, और भगवान ने सबको काफी अच्छी अकल दी हुई है, उसका सही तरीके से कब इस्तेमाल करना है और कहाँ करना है सब जानते हैं। तो उसमें हम कितना भी समझाएं तो सब वही करेंगे जैसे एक बच्चा होता है, उसको कितना भी आप कुछ कहें तो उसको जो चीज के लिए मना करते हैं वो क्यूरियोसिटी में वो चीज सबसे पहले करता है, कि उसको ये अंदर से रहता है कि यार मुझे ऐसा मना क्यों किया। तो इंसान की भी फितरत कहीं ना कहीं यही होती है। जो लोग लॉकडाउन के समय पूरे जिंदगी भर जो बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, वो लॉकडाउन जब हो गया है तो उनके अंदर ये फीचर आना शुरू होता है, यार वी हैव टू गो आउट, व्हाट इज दैट, जाके देखते हैं, यार मन नहीं लग रहा। तो सिंपल कहना इतना है कि जो है वो हमारी भलाई के लिए है, और बीमारी है, वायरस है, या जो भी ये चैलेंज है वो किसी जाति धर्म या इंसान को पूछ के नहीं आएगा कि मैं आपके घर आऊं या नहीं आऊं। तो बस आगे हम सभी समझदार हैं, मैं ज्यादा उसमें कुछ ना कहूं, तो यही कहूंगा कि कैसे आप लोग घर पे रह सकते हैं, फॉर दैट वी ऑल आर डूइंग दिस एफर्ट्स, एंड इवन दैट इज नॉट ओनली वी, हम ये नहीं कहते कि आपको क्षितिज और हमारे जो एफर्ट्स हैं इवेंट हंगर्स के यहीं पे आना चाहिए, ऑन दिस ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म पे मैं कह रहा हूं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, आप दिल से अगर अपने लिए चाहते हैं, दिस इज द वेरी कॉमन थिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि आप लोगों को ये लगे, किसी को भी लगे कि हम सब अपनी पब्लिसिटी लें या कुछ, डेफिनेटली एवरी वन वॉन्ट्स दैट, वी आर वर्किंग ऑन दैट इन आर फील्ड एज वेल, बट स्टिल एल्स अपार्ट देन दैट, ये समय वो नहीं है जिस समय हम सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। सो वी ऑल आर हियर एवरी डे, हम लोग के साथ नए नए लोग जुड़ते हैं, आप यहाँ आए, उसके अलावा आप थोड़ी देर आपका मन लगे तो आप रुकें, नहीं मन लगे आप इंस्टाग्राम में, बहुत से सिंगर्स हैं, डे बिफोर यस्टरडे पैपॉन वॉज लाइव देयर, सोनू निगम जी उनके साथ लाइव थे, देयर आर नंबर्स ऑफ कॉमेडियन आर्टिस्ट, आप कहीं भी जा सकते हैं, बस घर से बाहर मत जाएं, तो वहां पे रहें, अपने फेसबुक का, अपने फोन का सही यूज करें, एंड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग न्यूज कंटिन्यूअसली, और इट्स नॉट दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर द पार्ट ऑफ लाइफ, सो वी कांट से दैट यू कैन अवॉइड इट, बट स्टिल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे वो समय नहीं रहा ये समय भी नहीं रहेगा, सो जस्ट हैव पेशेंस एंड जस्ट लिसन समथिंग गुड, कुछ अच्छा सुने, अच्छा सुनाए और अच्छा शेयर करें, दैट्स इट। ऋषि कुछ कहना चाहते थे, ऋषि जी थैंक यू, शारी बाजी प्लीज स्टे हियर विद अस। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज कहना चाहता हूँ कि एज आर्टिस्ट, चाहे शहरी बाजी आप हो, गौरव हो, सिद्धिक सिंह हो, या मैं हूँ, या जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ दैट एज एन आर्टिस्ट ये जो वक्त है, ये क्वारंटाइन का जो वक्त है, मेरे लिए सबसे बढ़िया है, बिकॉज एज आर्टिस्ट हमने जो भी अपनी ऑडियंस या हमारे फॉलोअर्स या हमारे फैंस को ऑडियंस को दिखा रहे हैं, इट इज वंडरफुल। ना हमारे पास कोई टॉपिक है, ना हमारे पास कोई सोर्स है, ना हमारे पास लाइव ऑडियंस कुछ है, बस हमारे पास हमारा फोन है, एंड द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट इज कमिंग अभी, इट इज माइंड ब्लोइंग, दिखाता है कि अगर हम सब एक बिल्कुल सही बात आपने कही है, एंड स्पेशली व्हेनेवर देयर इज अ टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऑफ पेरिल, ऑफ हार्ड टाइम्स, देयर ऑलवेज हैव बीन अ क्लैन ऑफ द आर्टिस्ट, दोज हू हैव कम फॉरवर्ड एंड दोज हू हैव लेड बाय एन एग्जांपल। जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये अब समय है उन सभी के लिए कि अपनी क्रिएटिविटी को आगे लगाएं, और हमारी जो सोसाइटी है एट लार्ज, उन सबको बांधे रखे हैं उनके घर के अंदर ही, उसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ आई टॉक अबाउट एनी आरजेज, इफ आई टॉक अबाउट द सिंगर्स, इल्यूजनिस्ट और एनी अदर आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर, आप अपनी बेस्ट क्रिएटिविटी लेकर आइए, लोगों को बांध के रखिए उनके घरों के अंदर ही। और जाते जाते इस लाइव सेशन ऑफ हमारा बचपन में बस एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो इस ब्रॉडकास्ट को, इस लाइव वीडियो को दोबारा प्ले करेंगे, एंड में जैसे ही आप पहुंचते हैं, देयर इज वन स्ट्रॉन्ग मैसेज विच आई विश टू गिव टू ईच वन ऑफ यू, एंड दैट इज प्लीज प्लीज टेक सम मनी आउट फ्रॉम योर सेविंग्स एंड डोनेट इट फॉर द नीडी, दोज हु आर इन द नीड प्लीज डोनेट सम मनी एंड हेल्प देम इन देयर टफ टाइम्स। So this is one suggestion, one request from my side to each one of you.
ऑलराइट, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग इस बात को सुनेंगे और ध्यान भी देंगे। ऑलराइट, चलो लेट्स साइन अप फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। Absolutely. And on this good note, this is me, Anchor Gaurav Aka Ungli Baba, signing out from Hamara Bachpan session of live broadcast. And I thank you, RJ Rishi Raj. And I thank you, Sherry Paji, for being here in this session with us for such a long time and entertaining all the audience members. I would meet you all and see you all with a new panel in the coming days of Hamara Bachpan. Or maybe we could be back with some other theme that could be brought